Starting with the name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear student, today we will talk about the second chapter of community health nursing, which is primary health care. Objective: at the completion of this unit, a student will be able, यानी इस chapter की complete होने के बाद student को समझ आ जाएगी. Explain Almata Declaration, कि Almata Declarations क्या है, which is related health for all by the year 20,000 and beyond. जो कि रिलेटेड है हेल्थ सब लोगों के लिए 2000 और 2000 के जितने भी पीछे ये जनरेशन्स आ रही है इसके बारे में ये डिक्लेरेशंस हुई है. डिफाइन प्राइमरी केयर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर. प्राइमरी केयर क्या है और प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है इसके बारे में हम इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे. डिस्क्राइब द फाइव बेसिक प्रिंसिपल ऑफ PHC. PHC मीन्स प्राइमरी हेल्थ केयर. एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ PHC इन रिलेशन टू. डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ PHC इन पाकिस्तान. ये जितने भी टॉपिक्स है ऑब्जेक्टिव्स है ये हम कवर करेंगे आज की यूनिट्स. इंट्रोडक्शंस टू हेल्थ केयर. हेल्थ केयर क्या है यानी हेल्थ की प्रोटेक्शंस करना, हेल्थ की इम्प्रूवमेंट करना, हेल्थ की जितनी भी डिजीज़ है ह्यूमन बॉडी में उसकी ट्रीटमेंट करना, उसकी केयर करना, ये सब रिलेटेड है हेल्थ केयर. यानी हेल्थ की प्रोटेक्शंस करना, ह्यूमन बॉडी के डिजीज़ से प्रोटेक्शंस करना, ह्यूमन बॉडी की इम्प्रूवमेंट करना, ह्यूमन बॉडी में प्रमोशंस लाना, ये जितनी भी कंपोनेंट्स है इन सब को हम कहते हैं हेल्थ केयर. यानी केयर मींस किफालत और हेल्थ मींस हेल्थ. यानी हेल्थ के हम किस तरह जो है वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं डिजीज़ से, हेल्थ को हम किस तरह प्रमोट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज एंड लाइफ मॉडिफिकेशन, इन सब को हम कहते हैं हेल्थ केयर. और अगर ये हेल्थ केयर हम प्रोवाइड करते हैं इन कम्युनिटी लेवल, अगर ये हम प्रोवाइड करते हैं इन विलेज लेवल, अगर हम ये प्रोवाइड करते हैं इन द बेसिक फैमिली लेवल, अगर हम ये प्रोवाइड करते हैं इन इंडिविजुअल लेवल, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर. यानी वो हेल्थ केयर जिसको हम प्रोवाइड करते हैं इन अ वेरी बेसिक. बेसिक मीन्स कि हम कम्युनिटी में जाके, विलेज में जाके, किसी टाउन में जाके, विदआउट द हॉस्पिटल हम किसी कम्युनिटी में जाके वहाँ पे लोगों को गाइड करते हैं, लोगों को टीचिंग देते हैं, लोगों को डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं, लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ एजुकेशन के बारे में आगाह करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के उसको हेल्थ प्रमोशंस के बारे में मुख्तलिफ़ टेक्निक्स बताते हैं, तो इन सब को हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर. हेल्थ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. हेल्थ हर इंसान की एक बुनियादी हक है. यानी किसी भी मुल्क में अगर आप चली जाए वो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस हेल्थ को देता है ताकि उसकी कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी हो जाए. इंटीग्रेटेड केयर कंप्राइजिंग. यानी हेल्थ एक इंटीग्रेटेड केयर है. इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि ये एक म्यूचुअल केयर है. हम हेल्थ केयर में सिर्फ एक कंपोनेंट पे तवज्जो नहीं देते. हेल्थ केयर में हमारी तवज्जो होती है प्रिवेंटिव केयर पे कि हम किस तरह लोगों को डिजीज़ से बचा लें ताकि उसको डिजीज़ वाकया ना हो जाए. प्रमोटिव, अगर डिजीज़ ना हो तब भी हम कोशिश करते हैं कि सोसाइटी की हेल्थ को हम प्रमोट करें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी हो जाए. क्यूरेटिव. क्यूरेटिव का मतलब यह है कि अगर एक डिजीज़ वाकया हो जाए, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को मलेरिया हो गया, अब हम इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी लाइफ मॉडिफिकेशन करते हैं ताकि हम इसकी क्यूरेटिव उसको हम केयर देते हैं ताकि उसकी डिजीज़ ख़त्म हो जाए. एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस. रिहेबिलिटेशन सर्विस का मतलब यह है कि वो केयर जो कि हम प्रोवाइड कर लेते हैं उन लोगों को जो कि लाइफ लॉन्ग डिसेबल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल एक पेशेंट का पाँव नहीं है, उसको इम्पुटेशंस हुई है, इसकी लेग्स नहीं है, किसी पेशेंट का वो आर्म नहीं है, तो हम इसको केयर प्रोवाइड करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली एक्टिविटी को अच्छी तरीके से करें, तो इसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन. यानी रिहेबिलिटेशन केयर वो केयर है जो हम प्रोवाइड करते हैं आफ्टर प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटी या आफ्टर परमानेंट डिसेबिलिटी. परमानेंट डिसेबिलिटी के बाद हम पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन केयर. एक्सटेंडिंग फ्रॉम वूम टू टॉम्ब. यानी इसको हम माँ की गोद से ले कर हम कब्र तक, हम सब जितनी भी ये कम्युनिटी है हम हर पेशेंट को उसकी पैदाइश से लेके उसके मरने तक हम उसको ये प्राइमरी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं. और इसकी एग्जांपल यह है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा पैदा हो जाए वहाँ पे हम मेटर्निटी एंड न्यूनेटल केयर उसको प्रोवाइड करते हैं. इसी तरह अगर एक पेशेंट या अगर एक पर्सन जो है वो बूढ़ा हो जाए, उसको वो अपनी लाइफ के एंड तक पहुँच गया, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के जेरियाट्रिक या ओल्ड एज हाउस उसके लिए बनाए गए हैं. तो इसका मतलब यह है कि प्राइमरी हेल्थ केयर ये एक बहुत ब्रॉड एरिया है और इसमें बच्चे की पैदाइश से लेके उसके मरने तक
हम सारे एरिया में उसको लाइफ लॉन्ग टाइम के लिए हम उसको केयर प्रोवाइड करते हैं। की टू सोशियो इकोनॉमिक डिवेलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, ये एक की है, ये एक बुनियादी यूनिट है किसी भी कंट्री की सोशल डिवेलपमेंट और इसकी इकोनॉमिकल डिवेलपमेंट के लिए। देखिए, अगर किसी कम्युनिटी के या किसी कंट्री के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करके अपने मुल्क और कौम की तरक्की में बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इन थ्री लेवल, और हेल्थ केयर को हम थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हेल्थ केयर इसको हम थ्री ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी। यानी हेल्थ केयर है क्या चीज़? हेल्थ केयर वो केयर है विच वी प्रोवाइड टू अ कम्युनिटी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डिजीज, टू प्रमोट देयर हेल्थ एंड इन ऑर्डर टू गिव अ सर्विस टू अ रिहेबिलिटेटिव पेशेंट्स। तो ये सब हम इन सब चीज़ों को हम कहते हैं हेल्थ केयर। यानी हेल्थ के रिलेटेड अगर कोई इश्यूज हो और हम उसके रिलेट किसी पेशेंट को केयर देते हैं तो उसको हम कहते हैं हेल्थ केयर। और ये हेल्थ केयर हम थ्री मुख्तलिफ ग्रुप्स में दे सकते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर हम किसी कम्युनिटी में जाके वहाँ पेशेंट को केयर दे दे। सेकेंडरी लेवल हम किसी सेकेंडरी हॉस्पिटल में चले जाए, जिस तरह ये DHQ है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, THQ है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। इसी तरह टर्शियरी लेवल में, टर्शियरी लेवल का मतलब यह है कि हम थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, जिस तरह ये हमारे पास टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, HMC है, हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, ये KTH है, और इस तरह ये LRH है, ये है टर्शियरी केयर। यानी इसका मतलब ये है कि हेल्थ केयर हम थ्री मुख्तलिफ किस्म के कैटेगरीज में हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारी जो मेन कंसर्न है आज के टॉपिक में वो है प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से, कि हम किस तरह कम्युनिटी के अंदर एक पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, एक पेशेंट को रिहेबिलिटेशन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, एक पेशेंट की हेल्थ को हम मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं, और एक पेशेंट को हम किस तरह जो है वो डिजीज़ से बचा सकते हैं। ये हेल्थ केयर पायरामिड्स है। यानी हेल्थ सर्विसेज हम थ्री टाइप्स पे या थ्री कैटेगरीज में प्रोवाइड कर सकते हैं। एक है प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल एक ब्रॉड लेवल है और इसमें हम किसी भी कम्युनिटी में जाके हम कम्युनिटी के लोगों को गाइड करते हैं, वहाँ पे लोगों को मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स बताते हैं, उसको हेल्थ एजुकेशन देते हैं। सेकेंडरी लेवल में हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं अगर वो डिज़ीज़ हम ट्रीट नहीं कर सकते। देखिए, प्राइमरी सर्विसेज में BHUs है, ये इसकी कंपोनेंट्स है, और इसके साथ साथ डिस्पेंसरीज ये कंपोनेंट है प्राइमरी लेवल की। सेकेंडरी लेवल में मुख्तलिफ किस्म के DHQ हॉस्पिटल है, और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ किस्म के THQ या तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, और टर्शियरी लेवल में मुख्तलिफ किस्म के जनरल हॉस्पिटल या स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, ये इसकी एग्जांपल्स है। अब ये प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है और इसके लेवल्स क्या है? देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल इसके जिस तरह मैंने आपको बताया कि थ्री लेवल्स है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल्स। अब प्राइमरी लेवल में हम क्या करते हैं और इसका मेन टारगेट क्या है? फैमिली हेल्थ यूनिट्स एंड फैमिली हेल्थ सेंटर्स। इसमें ये आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के विलेज में, मुख्तलिफ किस्म के गाँव में, कम्युनिटीज़ में हेल्थ यूनिट्स या हंदनी मनसूबाबंदी, ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स के सेंटर कायम है। वहाँ पे ये BHUs बेसिक हेल्थ यूनिट्स है, डिस्पेंसरीज है। इनका काम ये है कि हम किस तरह पेशेंट को विद इन कम्युनिटी हम पेशेंट को किस तरह ट्रीट कर सकते हैं ताकि उस पेशेंट के ये साइन सिम्टम टाइम पे रिलीव हो जाए, टाइम पे ख़त्म हो जाए, और पेशेंट जो है वो डिजीज़ से बच जाए। इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द फॉर्मल हेल्थ केयर सिस्टम विदाउट पेशेंट्स एंड पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। यानी इसमें हम बुनियादी पेशेंट के साथ या बुनियादी एक इंडिविजुअल के साथ हमारा रिलेशन होते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको थोड़े से साइन सिम्टम्स है, अब वो डायरेक्टली जाके किसी BHUs में, वहाँ पे एक MOs बैठा होता है और इसके साथ साथ कुछ टेक्नीशियंस बैठे होते हैं, वो उसको कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, और बेयक वक्त विद इन द डोर स्टेप यानी उसके घर के सामने, उसके घर के अंदर एक पेशेंट को ट्रीट करता है। और अगर इस तरह वहाँ पे कोई प्रॉपर हेल्थ प्रोफेशनल बैठे हो, वो ट्रेंड हो, तो इसी तरह वो डिज़ीज़ को विद इन कम्युनिटी ट्रीट कर सकते हैं, और इस तरह पेशेंट बच जाते हैं टू गो टू वर्ड द DHQs एंड जनरल हॉस्पिटल। लेकिन अगर एक डिज़ीज़ इस प्राइमरी लेवल पे हम ट्रीट ना कर सके तो हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं टू वर्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और इसको हम कहते हैं DHQ। ये फर्स्ट रेफरल सेंटर है फ्रॉम कम्युनिटी टू वर्ड द बिग सिटीज़। ये बिग सिटीज़ की तरफ फर्स्ट रेफरल सेंटर है, और फर्स्ट रेफरल सेंटर की मेन टारगेट एरिया जो है वो है
DHQ हॉस्पिटल। देखिए अगर DHQ हॉस्पिटल में भी कोई पेशेंट ट्रीट ना हो जाए तो सेकेंडरी लेवल या टर्शियरी लेवल पे हम उसको भिजवा देते हैं जनरल हॉस्पिटल पे। और जनरल हॉस्पिटल की एग्जांपल आप लोगों के साथ है, KPK में ये 3 मेन हॉस्पिटल्स है, इसके साथ साथ ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, ये मेन एग्जाम्पल्स है जनरल हॉस्पिटल। एवोल्यूशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर में किस तरह डिवेलपमेंट आ गई है, किस तरह इसमें इम्प्रूवमेंट आ गई है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। द अलमाता कॉन्फ्रेंस, ये एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से, और इसमें मुख्तलिफ किस्म के कंट्रीज से जो प्रोफेशनल्स है, एक्सपीरियंस लोग हैं, वो आ गए और उसने कुछ एक्सप्लेनेशंस, कुछ प्रिंसिपल पेश की प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कि हम किस तरह कम्युनिटी लेवल पे पेशेंट को प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, अक्सर जो है वो MCQs में आ जाता है इसके डेट के बारे में और ये कब हुआ था। तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से दुनिया में जो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस हुई है वो है अलमाता। एक ये बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज कॉन्फ्रेंस थी प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से, कंडक्ट फ्रॉम 6 to 12 September 1978 एट अलमाता। और ये 6 से लेकर 12 September 1978 में अलमाता में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये एक बुनियादी माइलस्टोन का मीन्स ये एक बुनियादी स्टेप थी टूवर्ड द डिवेलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर यानी पब्लिक हेल्थ कम्युनिटी के हेल्थ के बारे में कि हम किस तरह कम्युनिटी के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये इसके बारे में फर्स्ट स्टेप थी इसकी डिवेलपमेंट के लिए। की टू द अटेनमेंट ऑफ गोल ऑफ द हेल्थ फॉर ऑल, और इसका मेन गोल क्या था, अगर MCQs में आ गया कि वट वॉज द मेन गोल ऑफ अलमाता डिक्लेरेशन या अलमाता कॉन्फ्रेंस, तो इसका मेन गोल ये था कि हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब ये है कि हर एक बंदे को विद इन द कंट्री दे हैव द राइट टू गेट अ हेल्थ केयर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ट्रीटमेंट विद इन द कंट्री, यानी इसका मतलब यह है कि किसी भी मुल्क के हर एक बशिंदे को ये हक हासिल है कि उसको बुनियादी सेहत जो है वो मुहैया हो, बुनियादी सेहत उसको प्रोवाइड हो। ऑब्जेक्टिव ऑफ अलमाता, ऑब्जेक्टिव क्या थे, उसके गोल क्या थे, ये लोग क्यों जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में आ गए थे, उसका मेन मकसद क्या था इस कॉन्फ्रेंस में आने के। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू प्रोमोट द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, इसका मेन फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोगों में प्राइमरी हेल्थ केयर की ये रुझान को बढ़ा दे, प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से लोगों को आगाह कर दे कि प्राइमरी हेल्थ केयर है क्या चीज़, प्राइमरी हेल्थ केयर में हम किन किन चीज़ों को तवज्जो देता है। टू इवलवेट द प्रेजेंट हेल्थ केयर सिचुएशंस, और दूसरा ये था कि कम्युनिटी में जो प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से BHUs, ये डिस्पेंसरीज, ये कम्युनिटी यूनिट्स जो काम करते हैं, LHVs, WH ये जो काम करते हैं कम्युनिटी में, हम इसको इवलवेट करें, हम इसको कंपेयर करें कि ये अच्छा काम करते हैं क्या नहीं, और अगर अच्छे काम करते हैं तो हम इसमें मज़ीद किस तरह डिवेलपमेंट ला सकते हैं। टू डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, और इसमें उसकी ये ऑब्जेक्टिव भी थी कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कुछ प्रिंसिपल बना लें, कुछ उसके लिए बुनियादी शराइत बना लें। टू डिफाइन द रोल ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये कि हम गवर्नमेंट मुख्तलिफ किस्म के नेशनल और इंटरनेशनल NGOs इसके रोल को भी लोगों के सामने और इसकी जो खिदमात है वो भी लोगों के सामने पेश कर दें कि ये मुख्तलिफ किस्म के इंटरनेशनल NGOs या गवर्नमेंट ये किस तरह कम्युनिटी में प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले से काम करते हैं। टू फार्मूलेट रिकमेंडेशन फॉर द डिवेलपमेंट, और अगर इन कम्युनिटी में या प्राइमरी हेल्थ केयर में कुछ डिवेलपमेंट की ज़रूरत हो तो हम किस तरह उसके लिए फार्मूलेस बना ले, किस तरह उसके लिए रिकमेंडेशन बना ले, हम किस तरह उसके लिए गोल्स और किस तरह हम इसके लिए प्रिंसिपल बना ले ताकि हम इसको मज़ीद जो है वो डिवेलप करें। डिक्लेरेशंस ऑफ अलमाता, यानी इम्पोर्टेंस क्या है डिक्लेरेशंस, डिक्लेरेशंस मीन्स अनाउंसमेंट या उसकी वजाहत क्या है, अनाउंसमेंट क्या है अलमाता, यानी जब ये कॉन्फ्रेंस हो गया तो उस कॉन्फ्रेंस के बाद उसने कौन कौन से जो है वो मेन मेन अनाउंसमेंट की, वो कौन कौन से वजाहत की। तो सबसे पहले उसकी अनाउंसमेंट क्या थी अलमाता डिक्लेरेशन की, जब ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ 16 से लेकर 12 सितंबर 1978 में, तो उन्होंने ये डिक्लेरेशन की, ये अनाउंसमेंट की, ये वजाहत की। Existing gross inequality in the health status of the people is unacceptable. सबसे पहले उसकी declaration ये थी
कि मौजूदा दौर में जहाँ भी हेल्थ के दरमियान लोगों को हेल्थ प्रोवाइड के दरमियान जहाँ भी नाइंसाफ़ी हो, ये अनएक्सेप्टेबल है, ये हम नहीं मानते। मतलब ये है कि हर पेशेंट को ये बुनियादी हक हासिल है कि उसको बुनियादी सेहत के जितने भी सोर्सेज है वो उसको अवेलेबल हो, और ये नहीं कि एक कम्युनिटी के एक बंदे को बुनियादी सेहत अवेलेबल हो और दूसरे को अवेलेबल ना हो, ये किसी भी हालत में काबिले बर्दाश्त नहीं। पीपल हैव अ राइट एंड ड्यूटी इन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। दूसरा ये कि किसी भी बंदे को यह हक हासिल है कि वो प्राइमरी हेल्थ केयर में पार्टिसिपेशन करे, एक इंडिविजुअल बेस पे भी या कम्युनिटी में अगर कोई इस तरह ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, कोई एनजीओज आ जाए, तो इसमें भी वो अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। मतलब ये कि किसी भी पेशेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ एसेंशियल हेल्थ केयर। थर्ड उसकी ये डिक्लेरेशन थी कि किसी भी कंट्री में प्राइमरी हेल्थ केयर एक बहुत बुनियादी जो है वो कंपोनेंट है हेल्थ केयर सिस्टम की। देखिए बुनियादी क्यों है, अगर किसी भी कम्युनिटी में वेल ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल प्राइमरी हेल्थ केयर या प्राइमरी हेल्थ बेस पे काम कर सकते हो, तो वो विद इन कम्युनिटी किसी भी क्लाइंट के किसी भी पर्सन के साइन सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं, और इसी तरह पेशेंट को बचा लेता है फ्रॉम डिजीज़ एंड आल्सो फ्रॉम कमिंग टू वर्ड द सेकेंडरी एंड टर्शियरी हॉस्पिटल। और इसी तरह अगर एक पेशेंट विद इन देयर डोर स्टेप, अगर एक पेशेंट विद इन विलेज अगर उसकी ट्रीटमेंट हो जाए, तो वो DHQ हॉस्पिटल या THQ हॉस्पिटल में आने से बच जाता है, और इस तरह उसकी डिजीज़ भी टाइम पे जो है वो ट्रीट हो जाएगी, और दूसरी उसका टाइम भी बच जाता है क्योंकि टर्शियरी और सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल तक आने के लिए मुख्तलिफ विलेज से आना पड़ता है, टाइम वेस्ट करना पड़ता है, पैसे लगना पड़ते हैं ना, इस तरह ये सब चीज़ें उसकी बच जाती है। इसलिए उसने बताया कि ये बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ हेल्थ फॉर द पीपल बाई 20,000। और उसने ये भी बताया कि 20,000 के बाद हाँ सब लोगों के लिए एक ऐसा हेल्थ का लेवल होना चाहिए, एक ऐसा हेल्थ का निज़ाम होना चाहिए जो कि सब लोगों में एक्सेप्टेबल हो। मतलब ये कि हर लोग उसको एक्सेप्ट करता हो, वो निज़ाम लोगों के फ़ायदे के मुताबिक हो। डिफिनीशन प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो क्या है, जिस तरह मैंने आपको बताया प्राइमरी हेल्थ केयर वो केयर है विच वी प्रोवाइड ऑन कम्युनिटी बेस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, इन ऑर्डर टू प्रोमोट द हेल्थ ऑफ कम्युनिटी, इन ऑर्डर टू क्यूर द डिजीज ऑफ कम्युनिटी एंड ड्यू अ रिहेबिलिटेटिव सर्विस टू द कम्युनिटी। यानी प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब यह है कि विद इन कम्युनिटी हम किस तरह पेशेंट को, हम किस तरह एक पर्सन को ट्रीट करें ताकि वो DHQ हॉस्पिटल और इसी तरह जनरल या THQ हॉस्पिटल में आने से बच जाए। इन एसेंशियल हेल्थ केयर ये एक बहुत बुनियादी हेल्थ केयर है, मेड यूनिवर्सली एसेसेबल टू इंडिविजुअल एंड एक्सेप्टेबल टू देम। और ये एक यूनिवर्सली एसेसेबल है, मतलब ये है कि किसी भी मुल्क में हर जगह लोगों को इस तक रसाई हो, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल और यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम्स है एंड एक्सेप्टेबल टू देम। और दूसरा ये है कि जितनी भी कम्युनिटीज़ है एक कंट्री में, सब कम्युनिटी को ये प्राइमरी हेल्थ केयर का जो सिस्टम्स है वो उसको एक्सेप्टेबल भी हो थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन। और इसके बाद अगर वो निज़ाम जो हम किसी कम्युनिटी में लॉन्च करना चाहते हैं, वो प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, अगर वो उस कम्युनिटी को एक्सेप्टेबल हो, तब वो इसमें फुल पार्टिसिपेशन करते हैं, वो फुल अपना इंटरेस्ट इसमें शो करते हैं एट अ कास्ट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड्स। और थर्ड इम्पोर्टेंस क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, कि वो निज़ाम या वो प्राइमरी हेल्थ केयर जो हम किसी कम्युनिटी में लॉन्च करना चाहते हैं, वहाँ पर रन करना चाहते हैं, उसका कास्ट यानी उसका कीमत यानी उसकी जो है वो एक्सपेंस इतनी ज़्यादा ना हो कि कम्युनिटी या किसी कंट्री के लोग उसको अफोर्ड ना कर सके। टू मेंटेन एट एवरी स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। अगर ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल हो, इसके अलावा ये लोगों के नीड के मुताबिक हो, लोग उसको अफोर्ड कर सकता हो, तब लोग इसमें सेल्फ रिलायंस वो अपनी खुद मुख्तारी और सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी वो खुद इन्हिसारी, तब वो उसमें मतलब ये है कि तब वो उसमें अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं, जब ये निज़ाम उसके नीड के मुताबिक, उसकी सोसाइटी के मुताबिक, उसके प्राइस के मुताबिक जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, अगर ये उसके मुताबिक हो, उसके रिलेटेड हो, तब ये लोग उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर की वो इम्पोर्टेंस क्या है। एट्रीब्यूट्स का मतलब है इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के या इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या कम्युनिटी में लॉन्च करने के लिए उसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
एसेंशियल हेल्थ केयर, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये एक बुनियादी हेल्थ केयर है, क्योंकि इसके ज़रिए हम कम्युनिटी के अंदर एक बंदे को, एक क्लाइंट को ट्रीट कर सकते हैं। यूनिवर्सली एक्सेसिबल, ये यूनिवर्सली एक्सेसिबल का मतलब यह है कि हम इसको जो है वो सारे कम्युनिटी को ईजिली वो प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सेप्टेबल, इसके लिए ये भी ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस के लिए ये भी ज़रूरी है कि लोगों को ये एक्सेप्टेबल हो, कम्युनिटी बेस्ड, ये कम्युनिटी बेस्ड पे हो, क्योंकि मुख्तलिफ कम्युनिटी के अपनी नीड्स होते हैं, ये उसकी नीड्स के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि कुछ कम्युनिटी में एक तरह के डिजीज़ होते हैं तो दूसरी कम्युनिटी में दूसरी तरह की डिजीज़ होती है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये फर्स्ट पॉइंट है वेयर द क्लाइंट कम और वेयर द पेशेंट कम, ये वो फर्स्ट जगह है जहाँ पे पेशेंट फर्स्ट टाइम एंटर होता है। अफोर्डेबिलिटी, और इसकी अफोर्डेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लोग उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। एडप्टेबिलिटी, एडप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इसमें चेंजेस लाना चाहिए, एक कम्युनिटी के प्राइमरी हेल्थ केयर को दूसरे कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर कम्युनिटी के अपने नीड्स और अपने ही हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएटनेस का मतलब ये है कि जो वहाँ की नीड्स है उस कम्युनिटी के, उसके मुताबिक ये होना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन का मतलब यह है कि ये लोगों की इंटरेस्ट के मुताबिक होना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें अपनी पार्टिसिपेशन करें और इससे फ़ायदा उठा लें। कंटिन्यूटी, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, इस तरह नहीं कि बस एक मंथ के लिए हमने प्राइमरी हेल्थ केयर लोगों को प्रोवाइड किया और हमने उसको दोबारा स्टॉप कर दिया। कम्प्रिहेंसिवनेस, कम्प्रिहेंसिवनेस का मतलब ये है कि ये कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए ताकि जितने भी प्रॉब्लम्स हैं किसी कम्युनिटी में सब के सब को ये कवर करे, ऐसा ना हो कि एक प्रॉब्लम्स की ट्रीटमेंट इसमें अवेलेबल हो या इस एक प्रॉब्लम के लिए केयर इसमें अवेलेबल हो तो दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए कुछ केयर नहीं, इस तरह नहीं, ये कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए ताकि जितने भी वहाँ पर इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स है, रिस्क है, फैक्टर्स है, ताकि उन सबको कवर करे। कोऑर्डिनेशंस, कोऑर्डिनेशंस होना चाहिए, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारी रिलेशन होना चाहिए ताकि हम उसकी सपोर्ट को हासिल कर सकें। प्राइमरी हेल्थ केयर, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये एसेसिबल होना चाहिए, लोगों की उस तक रसाई जो है वो पॉसिबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल, ये प्राइस के मुताबिक होना चाहिए, जितना कम्युनिटी सपोर्ट कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, ये इसके मुताबिक होना चाहिए। एक्सेप्टेबल, ये कम्युनिटी के रूल्स रेगुलेशन और इसके कल्चर के मुताबिक होना चाहिए। अप्रोप्रिएट, जो प्रॉब्लम्स है उसके रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक कम्युनिटी में एक प्रॉब्लम्स है और हम केयर किसी दूसरी जो है ना वो डिजीज़ का प्रोवाइड कर सकते हैं। एडेप्टेबल, एडेप्टेबल ये का मतलब ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें उसमें चेंजेस लाना चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ डिजीज़ जो है वो चेंज होती जा रही है। द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ साउंड पीएचसी, एक अच्छे तरीके या एक साउंड या एक डेवलपमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए कौन कौन से बेसिक रिक्वायरमेंट होने चाहिए। अप्रोप्रिएटनेस, अप्रोप्रिएटनेस इसके लिए जो है 8 AS and 3 CS, ये आप लोग याद रखें, 8 AS and 3 CS, ये आप लोग इसके लिए याद रखें। तो इसकी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अगर एक हम एक डिवेल्प या एक सक्सेसफुल प्राइमरी हेल्थ केयर किसी कम्युनिटी को प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इसके लिए ये 8 AS और 3 CS का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट क्या है, अप्रोप्रिएटनेस, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ये अप्रोप्रिएट होना चाहिए, एक इस तरह नहीं कि एक फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी में डायरिया की जो है वो प्रॉब्लम ज़्यादा प्रेवेलेंट करता है और हम वहाँ पे जाके उस कम्युनिटी को जो है वो मलेरिया की एजुकेशन देते हैं या मलेरिया की उसको मेडिसिन या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते, तो इसी तरह नहीं, डिजीज़ के रिलेट होना चाहिए। अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि ये किसी कम्युनिटी में हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। एडिक्वेसी, एडिक्वेसी का मतलब ये है कि ये एडिक्वेट होना चाहिए, ये डिजीज़ के रिलेटेड टाइम रिलेटेड होने चाहिए। एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी का मतलब ये लोगों को उस तक रसाई हासिल हो, ऐसा ना हो कि एक कम्युनिटी में उसका प्राइमरी हेल्थ केयर इतना, हेल्थ केयर सेंटर इतना दूर हो कि लोग वहाँ तक जो है वो ईजिली अपना एक्सेस हासिल नहीं कर सकते। अफोर्डेबिलिटी, लोग उसको अफोर्ड कर सकते हो, वहाँ पर जो केयर हम प्रोवाइड करते हो वो इतने महंगे ना हो कि कम्युनिटी के लोग उसको जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। एसेसिबिलिटी यानी लोग उसको एसेस के साथ साथ वहाँ पे लोग जा भी सकते हो और वहाँ से लोग जो है ना वो फ़ायदा भी उठा सकते हो। अकाउंटेबिलिटी, हम जो कुछ भी करना चाहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में उसके लिए हम अकाउंटेबल हो, मतलब ये कि हम इसका रीज़न या इसके रेशनल प्रोवाइड करना चाहिए कि मैं ये जो है ये स्टेप लेता हूँ या ये केयर प्रोवाइड करता हूँ कि किसी कम्युनिटी में, इसकी वजह यह है कि वहाँ पर फुला इशूज़ इसी तरह जो है वो प्रेवेलेंट है। कम्प्रिहेंसिव का मतलब यह है कि सब एरियाज़ को कवर करना चाहिए। और कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब यह है कि ये बिल्कुल डे एंड नाइट प्रोवाइड होना चाहिए, इस तरह नहीं कि बस हमने एक दो दिन के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर को प्रोवाइड किया और इसके बाद हम स्टॉप कर दिया। कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर,
प्राइमरी हेल्थ केयर के कंपोनेंट्स क्या है, उसके बुनियादी नुकात क्या है, हम कौन कौन से एरियाज पे पेशेंट को या किसी कम्युनिटी को प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, इसकी कंपोनेंट्स क्या है, पार्ट क्या है, एजुकेशन कंसर्निंग द प्रेवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। देखिए, सबसे फर्स्ट पार्ट या सबसे मेन टारगेट एरिया प्राइमरी हेल्थ केयर में हमारा ये है कि हम लोगों को एजुकेशन देते हैं उन डिजीज़ के बारे में जो उस इलाके में, उस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट, प्रेवेलेंट मींस बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में वो डिजीज़ उस कम्युनिटी में, जिस तरह आप लोग देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटी में, मुख्तलिफ़ किस्म के विलेज टाउन्स में अपने अलग तरह के प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, तो हम उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के बारे में जो उन कम्युनिटी में पाए जाते हैं, हम उनके बारे में लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं कि आप लोग एजुकेशन देते हैं कि आप लोग किस तरह इस डिज़ीज़ से ख़ुद को बचा सकते हैं और आप लोग किस तरह इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम कम्युनिटी को एजुकेशन देते हैं। प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, हम कम्युनिटी को एक प्रॉपर जो है वो फूड सप्लाई को पॉसिबल बनाते हैं, उसके लिए हम काम करते हैं और वहाँ के लोगों को हम प्रॉपर न्यूट्रिशंस के बारे में एजुकेशन देते हैं कि आप लोगों ने किस तरह अच्छे से अच्छे खुराक तैयार करना है, कौन कौन से फूड आप लोगों ने ज़्यादा खाना है, क्योंकि पहले हम इस कम्युनिटी के असेसमेंट करते हैं कि वहाँ पे किस किस्म का इशूज़ पाया जाता है, तो इस इशूज़ के बेस पे उस कम्युनिटी को हम मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में एजुकेशन देते हैं। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, हम किसी भी कम्युनिटी में एडिक्वेट प्रॉपर जो है वो सेफ वाटर की एक्सेस को पॉसिबल बना लेते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटी में प्लांट्स वगैरह इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प पे हम वहाँ सेट करते हैं, लोगों को एजुकेशन देते हैं कि आपने किस तरह जो है वाटर को फ़िल्टर करना है, किस तरह आप लोगों ने फ़िल्टर वाटर पीना है, और इसी तरह बेसिक सैनिटेशन को हम उसको एजुकेशन देते हैं। मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, हम मेटर्नल जो केयर हम किसी फीमेल को प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड हेल्थ, और चाइल्ड हेल्थ के बारे में कि आप लोगों ने कितने बच्चे पैदा करने हैं, किस तरह आप लोगों ने जो है वो बच्चों के दरमियान, चिल्ड्रन के दरमियान गैप रखना चाहिए, आप लोगों ने किस तरह फैमिली प्लानिंग रखना चाहिए ताकि आपके रिसोर्सेज आपके ऑफ स्प्रिंग या आपके बच्चों के मुताबिक हो, ताकि आप लोग उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन दे दें, प्रॉपर तरीके से उसको हेल्प प्रोवाइड करें। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शन डिजीज, हम इस पे काम करते हैं कि हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्यूनाइज करें, वहाँ पे लोगों को वैक्सीन लगा दें ताकि वो मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्टिव या कम्युनिकेबल डिजीज़ से बच जाए। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज, एंडेमिक डिजीज़ वो डिजीज़ है विच आर फाउंड इन अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, वो डिजीज़ जो किसी खास कम्युनिटी में पाई जाती है उसको हम एंडेमिक डिजीज़ कहते हैं, और अगर ये डिजीज़ वर्ल्ड वाइड हो जाए तो इसको हम पेंडेमिक डिजीज़ कहते हैं, जिस तरह आप लोग देखते हैं ये कोविड एक पेंडेमिक डिजीज़ है, इसी तरह अगर ये पेंडेमिक डिजीज़ किसी लोकल एरियाज़ के बेस पे हो तो इसको हम कहते हैं एंडेमिक डिजीज़, और अगर ये एंडेमिक डिजीज़ वर्ल्ड वाइड हो जाए तो इसको हम कहते हैं पेंडेमिक। तो हम एंडेमिक डिजीज़ वो डिजीज़ जो लोकली किसी कम्युनिटी में पाए जाते हैं उसके प्रिवेंशन, इसकी रोकथाम और इसकी कंट्रोल के लिए हम लोगों को एजुकेशन देते हैं। अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज़ एंड इंजरीज, जो कॉमन डिजीज़ है किसी कम्युनिटी में, इसके बारे में हम वहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं, उनको जो है वो गाइड करते हैं। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग, हम कम्युनिटी को मुख्तलिफ किस्म के वो ड्रग्स जो कम्युनिटी को इसकी ज़रूरत हो वो प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ गाइड्स, हेल्थ वर्कर एंड हेल्थ असिस्टेंट, जो लोग कम्युनिटी में काम करते हैं, जिस तरह ये LHVs है, LHWs है, डिस्पेंसर्स है जो कम्युनिटी में काम करते हैं, हम उसको गाइड करते हैं, उसको ट्रेन करते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे तरीके से कम्युनिटी के लोगों को केयर प्रोवाइड करें। रेफरल सर्विसेज, हम रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चूँकि कम्युनिटी में हमारे पास हर किस्म के प्रॉब्लम्स के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, इसलिए जो प्रॉब्लम्स हम कवर नहीं कर सकते उसको हम रेफ़र करते हैं किसी DHQ हॉस्पिटल या किसी जनरल हॉस्पिटल तक। मेंटल हेल्थ, हम कम्युनिटी के लोगों की मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेस पाए जाते हैं, हम उनके बेस पर लोगों को मेंटल हेल्थ और इसकी काउंसलिंग करते हैं। फिज़िकल हैंडीकैप्स, हम लोगों की फ़िज़िकल हेल्प भी करते हैं, फ़िज़िकल चीज़ें भी उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। हेल्थ एंड सोशल केयर ऑफ द एल्डरली, जो ओल्ड वहाँ पे पाए जाते हैं, जो ओल्ड एज 60 प्लस एज के लोग होते हैं, हम उसको हेल्थ और सोशल केयर भी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी बाकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से गुजार सके। यह है प्राइमरी हेल्थ केयर। देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर जिस तरह मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से कि प्राइमरी हेल्थ केयर वो केयर है जो हम कम्युनिटी में लोगों को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोग बीमारियों से बच जाए, उसकी हेल्थ मज़ीद अच्छा हो जाए, अगर वहाँ पे कोई डिसेबल बंदा हो, कोई मजदूर बंदा हो, वो अच्छी तरीके से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के काम करे, तो इन सब को हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। और ये सब प्राइमरी हेल्थ केयर हम कम्युनिटी के बेस पे, हम किसी विलेज के बेस पे या हम किसी टाउन के बेस पे विद आउट द प्रेजेंस ऑफ हॉस्पिटल की बजाय हम कम्युनिटी में ये केयर प्रोवाइड करते हैं।
तो देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर की दो बेसिक इसकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक है प्रिवेंटिव सर्विस एंड दूसरा है क्यूरेटिव सर्विस। प्रिवेंटिव सर्विस का मतलब यह है कि बिफोर डिजीज, इसका मतलब यह है बिफोर डिजीज, एक डिजीज प्रेजेंट नहीं लेकिन हम इसकी जो है वो ट्रीटमेंट देते हैं, या एक डिजीज प्रेजेंट है हम इससे पेशेंट को बचाते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव का मतलब ये कि एक डिजीज़ फॉर एग्जांपल है नहीं लेकिन हम पेशेंट को इससे बचाते हैं, या डिजीज़ के लिए रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है तो हम इस रिस्क फैक्टर से एक क्लाइंट को, एक पर्सन को बचाते हैं ताकि उसको उस रिस्क फैक्टर से कोई डिजीज़ जो है वो काज ना हो जाए। दूसरा है क्यूरेटिव डिजीज़। क्यूरेटिव डिजीज़ आफ्टर डिजीज़, जब डिजीज़ वाक़ हो जाए, जब एक इन्फेक्शन वाक़ हो जाए तो इसके बाद हम जो केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं इसको हम कहते हैं क्यूरेटिव डिजीज़ या द केयर आफ्टर डिजीज़। डिजीज़ हुआ क्या हो गया, एक टीबी हो गया जो है वो, एचआईवी हो गया, इसी तरह एम्फाइसीमा एन्फाइमा निमोनिया हो गया, तो इसके बाद हम पेशेंट को जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं क्यूरेटिव केयर। तो देखिए प्रिवेंटिव केयर, प्रिवेंटिव का मतलब ये है प्रिवेंट करना पेशेंट को डिजीज से, सॉरी एक क्लाइंट को डिजीज से प्रिवेंट करना का मतलब है प्रिवेंटिव सर्विस। तो इसके इसमें एक है जनरल सर्विस और दूसरा है केयर ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। जनरल केयर सर्विस, हम किसी भी कम्युनिटी में जनरल वहाँ पे लोगों को जो केयर प्रोवाइड करते हैं उसको कहते हैं जनरल सर्विस। मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरनमेंट, इसमें हम वहाँ पे एनवायरनमेंट को मॉनिटर करते हैं, एनवायरनमेंट में जो रिस्क फैक्टर वहाँ पे पाए जाते हैं उसको जो है वो प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं। हेल्थ एजुकेशन, हम लोगों को अच्छे तरीके से रहने के लिए हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं। प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिजीज़, जो एंडेमिक डिजीज़ वहाँ पे पाए जाते हैं इसकी कंट्रोल के लिए और इसकी प्रिवेंशन के लिए हम लोगों को मुख्तलिफ किस्म के तरीके डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। हेल्थ ऑफिस सर्विसेज, और हम मुख्तलिफ किस्म के लोगों को हेल्थ जो है वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है केयर ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। वल्नरेबल ग्रुप वो ग्रुप है जो किसी डिजीज़ के लिए रिस्क पे हो। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक कम्युनिटी है वहाँ पे कंटामिनेटेड वाटर प्रेजेंट है, अब इन कम्युनिटी में ये रिस्क है कि उन पे कि उनमें से जो लोग रहते हैं उसको वाटर बर्न डिजीज़ काज हो जाए, तो अब हम किस तरह इस कम्युनिटी को इस रिस्क से बचा लें और इस वल्नरेबल ग्रुप्स को, वल्नरेबल ग्रुप्स वो ग्रुप्स वेयर इन द कम्युनिटी देयर इज़ प्रेजेंट रिस्क फैक्टर विच मे काज द डिजीज़। तो मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ, मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ का मतलब यह है कि हम फीमेल को गाइड करते हैं उसकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि वो अक्सर रिस्क पे होती है, अक्सर वो प्रॉपर तरीके से अच्छे फूड नहीं लेते, इस तरह विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है, आयरन की डिफिशियंसी, फोलेट की डिफिशियंसी, तो हम इस तरह मदर को गाइड करते हैं ताकि आप जो है ना वो प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ले और इन मेडिसिन को ले। स्कूल हेल्थ सर्विसेज, हम मुख्तलिफ कम्युनिटी को स्कूल के बेस पे बच्चों को टूथब्रश के बारे में, इसके फिजिकल एक्टिविटी के बारे में हम बच्चों को जो है ना वो एजुकेशन देते हैं। जेरियाट्रिक हेल्थ सर्विसेज, जेरियाट्रिक हेल्थ सर्विसेज वो सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड करते हैं ओल्ड एज लोगों को। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज वो सर्विसेज है जो हम किसी इंडस्ट्री लेवल में वहाँ पे जो वर्कर काम करते हैं, क्योंकि ये वर्कर वल्नरेबल्स होते हैं अगर वहाँ पे कोई रिस्क फैक्टर पाया जाता है किसी इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पे कोई अगर इस तरह डास्क या किसी तरह के कोई भी हैज़र्ड या सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, तो हम इसके मुताबिक लोगों को या वहाँ पे जो वर्कर्स है उसको गाइड कर सकते हैं ताकि आप लोग इस रिस्क फैक्टर से खुद को बचा लें और डिजीज़ से खुद को जो है वो प्रिवेंट करें। दूसरा है क्यूरेटिव सर्विस, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, एक डिजीज़ जब हो जाए, एक डिसेबिलिटी जब हो जाए, इसके बाद जब हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं तो इसको कहते हैं क्यूरेटिव सर्विस। आउट पेशेंट क्लिनिक्स या रेफरल, ये क्यूरेटिव सर्विसेज मोस्टली पब्लिक हेल्थ केयर में नहीं आता, क्योंकि इसके लिए हाई डेवलप्ड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है और ये टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते कम्युनिटी बेस पे। इसी तरह लेबॉरेटरी सर्विसेज, ये लेबॉरेटरी के टेस्ट हम कम्युनिटी के लेवल पे नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ ये डिस्पेंसरीज में हम थोड़ा सा जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ को कवर नहीं कर सकते। फ़र्स्ट एड एंड इमरजेंसी सर्विसेज, और थोड़ा सा ये फ़र्स्ट एड भी क्यूरेटिव सर्विसेज में आता है, क्योंकि फ़र्स्ट एड जब तब हम इस वक्त प्रोवाइड करते हैं जब कोई इंजरी हो जाए या कोई डिजीज़ वाक़ हो जाए तब हम फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, और ये भी क्यूरेटिव सर्विसेज में आता है। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर के बुनियादी प्रिंसिपल्स क्या है, उसके बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स और इसके बुनियादी जो है वो डिसिप्लिन या इसके बुनियादी शराइत क्या है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब ये कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि एक कम्युनिटी को हम सारे सर्विसेज प्रोवाइड करें तो दूसरी कम्युनिटी को एलिमिनेट करें, वहाँ पे लोगों को इग्नोर करें, इसी तरह नहीं होना चाहिए।
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, लोगों को इसमें जो है वो इन्वॉल्व रखना चाहिए। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, मुख्तलिफ सेक्टर्स के दरमियान, मुख्तलिफ किस्म के हेल्थ केयर सेक्टर्स के दरमियान, एजुकेशन सेक्टर के दरमियान हमारा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, हमारा कनेक्शन होना चाहिए। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी किसी कम्युनिटी की ज़रूरत हो हम वो उसको प्रोवाइड करें ताकि उसकी जो रिस्क फैक्टर है, उसकी डिजीज़ है, हम वहाँ पे उसको कवर करें। तो देखिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, आप लोग ये देख सकते हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के आप लोगों को ये एक डायग्राम से जो है ना वो एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें इस तरह नहीं होना चाहिए कि ये येलो स्मॉल है और ये इस तरह ये पिंक कलर बड़ा है, इस तरह नहीं। हम हर कम्युनिटी को उनके बेस पे जो है वो इक्वल, बिल्कुल इक्वल साइज़ में हम उसको जो है वो केयर प्रोवाइड करना चाहिए। इन इक्विटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विस मेजर कंसर्न, इस ज़माने में या इस मॉडर्न एरिया में ये इन इक्वलिटी, इन जस्टिस बिटवीन अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज़ अ बिग कंसर्न, ये बहुत बड़ा इशूज़ है। क्योंकि आप अक्सर आप लोग देखते हैं कि जो पहाड़ी इलाके हैं या जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे मेजॉरिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होते, तो वहाँ पे जो भी लोग होते हैं उसको हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि वहाँ पे लोगों की ज़िंदगी जो है वो रिस्क पे होती है। सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर रिसोर्सेज मोर टू वर्ल्ड अफ्लुएंट एरियाज़, और इसी तरह जो अफ्लुएंट एरियाज़ है, जो रूरल एरियाज़ है, वो एरियाज़ जो बहुत ज़्यादा दूर है किसी बिग सिटीज़ में, वहाँ पे हम हेल्थ केयर रिसोर्सेज की सप्लाई को अच्छी तरीके से नहीं मेंटेन रख सकते। जूलियन टॉडर इनवर्स केयर ला, और इसको हम कहते हैं इनवर्स केयर ला, कि हम जो है वो जो एरिया सबसे ज़्यादा दूर हो वहाँ पे सप्लाई सबसे कम हो, इसी तरह ये इनवर्स है, इनवर्स रिलेशन है बिटवीन देम, और इसको हम कहते हैं इनवर्स केयर ला। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड मेडिकल केयर टेंड्स टू वेरी इनवर्सली विद द नीड फॉर इट इन द पॉपुलेशन सराउंड, और इसका मतलब ये है कि जिस कम्युनिटी को जितना ज़्यादा ज़रूरत हो उसको हम इतने ज़्यादा वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट की प्रिंसिपल इन द प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर की सबसे बुनियादी इकाई ये है, सबसे बुनियादी ज़रूरत यह है कि सब कम्युनिटी को हम इक्वल हेल्थ सर्विसेज या प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। इंश्योर दैट इंडिविजुअल विद मोर कम्प्रोमाइज्ड हेल्थ कंडीशन विल रिसीव मोर हेल्थ सर्विसेज, जो कम्प्रोमाइज्ड लोग है, कम्प्रोमाइज्ड कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी वेयर देयर इज़ प्रेजेंट बिग इशूज, बिग हेल्थ प्रॉब्लम, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। कमिटमेंट टू हेल्थ इक्विटी फोकस नॉट ओनली ऑन इंश्योरिंग प्रोग्राम इनपुट्स बट आल्सो रिड्यूसिंग डिफरेंसेस इन हेल्थ आउटकम्स, और जो कम्युनिटी को हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए उसका मकसद, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम कम्युनिटी को जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें, बल्कि हमें आउटपुट को भी देखना चाहिए कि ये सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं कितनी हद तक कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस अगेन, एक्सेस टू हेल्थ केयर हॉरिजॉन्टल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी, हॉरिजॉन्टल इक्विटी और वर्टिकल इक्विटी का मतलब यह है कि जितनी कम्युनिटी दूर हो वहाँ पे हम हेल्थ सर्विसेज को जो है वो इजी से इजी तरीके से पहुँचा दें। हॉरिजॉन्टल इक्विटी इक्वल एक्सेस फॉर इक्वल नीड्स, जितना लोगों की ज़रूरत हो उतना हम उन कम्युनिटी को जो है वो वहाँ पे सर्विसेज उसको प्रोवाइड करें। इक्वल रिसोर्सेज, हम हर कम्युनिटी को इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड करें। इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, सारी कम्युनिटी के लोगों को ये सहूलत फराहम हो कि वो प्राइमरी हेल्थ केयर, BHUs, डिस्पेंसरी, LHVs और LHWs तक वो रसाई हासिल करें। इक्वल यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सब लोग जो है वो एक ही इंसाफ के साथ, इक्वल इक्वलिटी के साथ जो है वो हेल्थ सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हो। इक्वल हेल्थ, सब लोगों के लिए हेल्थ के जितने भी नीड्स हैं वो सब लोगों के लिए बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। वर्टिकल इक्वलिटी, वर्टिकल इक्वलिटी का मतलब क्या है? अन इक्वल शुड बी ट्रीटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर इन इक्वलिटी, जितने भी अन इक्वल लोग हैं उसको हम जो है वो प्रोपोर्शन के साथ उसको ट्रीट करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो हमें उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, उसको सबसे ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए। इंडिविजुअल विद मोर नीड्स शुड हैव मोर ट्रीटमेंट, और इस तरह जो मैंने आप लोगों को बताया कि जिस कम्युनिटी के सबसे ज़्यादा नीड हो उसको सबसे ज़्यादा सहूलियत फराहम करना चाहिए। इसी तरह नहीं कि एक कम्युनिटी को कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो और दूसरे कम्युनिटी को ज़्यादा ट्रीटमेंट या ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो और हम दोनों को इक्वल सर्विसेज प्रोवाइड करें, इस तरह नहीं। द सेंट्रल थीम ऑफ नीड्स देयर फॉर डिटरमाइन इक्वलिटी, लेकिन सेंट्रल हमारी सोच जो है वो इक्वलिटी पर होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन आता है, इक्वलिटी का मतलब ये कि हम हर कम्युनिटी को इक्वल जो है वो सोर्सेज और हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करें, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन और क्लेशेज आते हैं।
कि लेट सपोज अगर हम इक्वल रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, अगर इसमें से किसी कम्युनिटी को ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत हो तो हम किस तरह जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें हमें थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, हमें थोड़ा सा क्रिटिकल रीजनिंग करना चाहिए, और इसी तरह इनके बेस पे हम कम्युनिटी को हेल्थ के बेस पे इक्वल जो है वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करना चाहिए।